अपने इन्वेस्टर्स का, तो इसको आप एक रेगुलर साइकिल में आप इसको सेटल करेंगे। सेटल करेंगे मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इस पैसे को जो इन्वेस्टर है उसके बैंक अकाउंट में आप वापिस करेंगे 15 दिन में या 20 दिन में। इसका एक साइकिल चलता है, ओ तो वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अरे नाइस. तो ये तो हो गया इस साइड पे। अब इंस्टीट्यूशन साइड पे तो ये सेफ होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा सेफ हो रहा है, ठीक है, इसमें नुकसान की गुंजाइश कम से कम है अब। लेकिन जो जहां पे आपको फ्रॉडुलेंट महसूस हो सकता है वो हो सकता है कि आप किसी से टिप लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हालांकि सेबी इस पे भी ध्यान देता है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, काफी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे, ये सब करे, तो आप हम लोग एक डिस्क्लेमर देते हैं कि हम यहाँ किसी को बता नहीं रहे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो उसमें इन्वेस्ट करो। पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती हैं जहाँ पे लोग इस तरह की बात करते हैं, और टेलीग्राम के थ्रू या दूसरे प्लेटफॉर्म, तो वहां पर भी सेबी नजर रखता है। अभी रिसेंट में केस हुआ था और इसका काफी अच्छा उन्होंने केस स्टडी सेबी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, 127 पेज का है वो, जिसमें एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, और सेबी आपको पूरा स्क्रीनशॉट के साथ डाला है कि किसने किसके साथ क्या चैट किया, क्या बात किया, कहाँ पे लोकेशन है उसका, कहाँ पे उसने किस प्लेटफॉर्म पे जाके बोला है कि ये शेयर खरीद लो, और उसने कितनी देर पहले खरीदा, फिर कितनी देर में बेचा, ये सारी चीजें। तो आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, या तो आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू करो, या आप खुद से आप इन्वेस्ट करना सीखो, सीख के फिर आप अपना एक्सपीरियंस बनाओ धीरे धीरे करके, एंड इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो ये फ्रॉडुलेंट साइट पे है। ग्रेट. सो मतलब ऑल ऑफ द इफ वी कंक्लूड, सो एक चीज है कि जितना आप अवेयर रहोगे उतना इट इज गुड. करेक्ट, अगर आप ऐसे ही मिसलीडिंग एक्टिविटीज या फिर ऐसे ही किसी के भी सुनोगे तो भाई फिर तो फंसोगी. राइट सुनो मत किसी की, करो अपने दिल की. नहीं, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, बट यहाँ पे करेक्ट, सुननी भी नहीं है किसी की. दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट. सो अभी लाइक स्टॉक्स का इतना ज्यादा जो चल रहा है क्रेज, है ना, तो व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ स्टॉक्स, मतलब 2024 में स्टॉक्स कैसे हो सकते हैं. ऑब्वियसली वी नीड टू नो अबाउट इट. एंड मीनवाइल द फ्यूचर क्या है, लाइक हाउ द स्टॉक्स आर गोना बी इनटू द फ्यूचर इफ वी सी. सो अभी 2024 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड देन सो ऑन. अभी मार्केट 2024 में, ऐसे कि इलेक्शन ईयर है हमारे, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मार्केट यही देखेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे रहता है। जो भी इन्वेस्टर आता है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी कंट्री में है तो ये उनको बहुत इंश्योर करता है कि अगर हम इस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा बनेगा। आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चेंजेस हों, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाएगी फिर दूसरी उसको कैंसिल करके अपनी पॉलिसी लाएगी, तो वो ये हो जाता है कि रिसोर्सेज, टाइम और पैसे की खराबी होती है ना। तो सबसे पहले लोग इन्वेस्टर्स, आई मीन लोग लोग जब मैं बोलूंगा तो इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे रही। तो अभी जो करंट सिनारियो हमको दिख रहा है और जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं या जो दिख रहा है ग्राउंड में, ऐसा लग रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगी आगे, और वो री इलेक्ट होके वापस आएंगे, इस बात के लिए मार्केट बहुत अश्योर्ड है, ठीक है। तो इस साल में तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ मार्केट उथल पुथल करेगा या कुछ बहुत ज्यादा करेक्ट करेगा और बहुत ज्यादा बूम करेगा। तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक नॉमिनल नॉर्मल जो जर्नी अपना चलता है कि नॉर्मल करेक्ट होगा वापस फिर बूम करेगा, नॉर्मल करेक्ट होगा बूम करेगा, वो एक नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो कोई क्रैश या किसी तरह की सिचुएशन आती हुई अभी तक नहीं दिख नहीं रही। दिख रही. अब इसके अंदर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मार्केट, जैसे हमने बोला, डिमांड सप्लाई से चलता है ना। तो डिमांड अगर मार्केट में है किसी शेयर की तो वो ऊपर जाएगा, और सप्लाई है तो वो नीचे आएगा। तो फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हों कंपनी के, जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी को कौन चलाता है, कंपनी क्या करती है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये सारे फंडामेंटल्स अगर कंपनी के अच्छे भी हैं, उसके बावजूद भी अभी इंडिया में जिस तरह का मार्केट चल रहा है, हाँ.
इंडिया इज हैविंग इट्स बेस्ट टाइम, ठीक है, और जो पढ़ने को सीखने को मिलता है बड़े इन्वेस्टर्स से या इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो वो उनका मानना ये है कि अगले 10 साल तक इंडिया इज अ प्लेस टू बी इन, ठीक है, कई तो इसको 100 साल कहते हैं, बट मेरा अपना पर्सनल मानना है कि 10 साल तो एटलीस्ट, अगर आप 10 साल यानी अगले 10 साल तक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो आप बहुत ही बड़ा मौका खो रहे हैं। और ये आपके सारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, चाहे आप खुद करें, एक इंकरेजमेंट होगा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स इट्स गोइंग टू बी ह्यूज एंड वेरी 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 बिग। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर पैसा बहुत आ रहा है। तो जैसे हम म्यूचुअल फंड की बात करते थे, तो उसी की बात करते हैं, तो पहले ये समझते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। लिक्विडिटी होता है कि पैसा कितना आ रहा है। पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा निकलेगा तो मार्केट नीचे आएगा। पहले क्या होता था कि बाहर, आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि बाहर के इन्वेस्टर्स पे हम बहुत रिलाय करते थे, क्योंकि उस समय लोग पैसा नहीं लगाते थे, म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगाते थे। इसका अगर एक डेटा मैं पुट अप करूं आपके सामने, तो रुपीज 10 ट्रिलियन मार्क म्यूचुअल फंड में हमने पूरा करा लगभग 50 साल में, ठीक है, ओके। और 10 ट्रिलियन मार्क फ्रॉम 40 रुपीज 40 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन आने में कितना समय लगा होगा, आपको कोई आइडिया इसका? मतलब 10 ट्रिलियन करने में, टोटल ऑफ 10 ट्रिलियन करने में हमें 50 साल लगे, 50 साल, हाँ, और 40 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन जाने में, जो कि 10 ट्रिलियन ही है, उसको करने में कितना समय लगा होगा? ऑन एन एवरेज अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी देखो तो आई थिंक 5-7 ईयर्स। तो ये बहुत सरप्राइजिंग होगा आपको जानकर कि 1 साल लगा। 1 साल? एक्चुअली मेरे दिमाग में तो ये था कि भाई कम से कम 20-25 साल तो लगे होंगे, बट बिकॉज अब इतना ज्यादा ज्ञान आ चुका है सुनील से कि भाई स्टॉक्स का इतना ज्यादा चल रहा है, मैंने कहा यार 10 साल के अराउंड तो लगेगा, मैंने 5-7 साल कुछ तो हो गए, राइट, बट 1 साल में 10 ट्रिलियन मार्क, सुपर। तो आप इमेजिन करो कि कितना पैसा फ्लो कर रहा है, और ये जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, जो ट्रेंड चल रहा है कि 50 साल में 10 ट्रिलियन करा था, yes. फिर 40 ट्रिलियन तक पहुंची, फिर 40 से 50 ट्रिलियन होने में सिर्फ 1 साल लगा, यानी जो पहले 10 ट्रिलियन थे वो आपने 1 साल में ही ऐड कर दिए। अब इमेजिन करो 10 साल में क्या होगा, और क्योंकि ये कैलकुलेट, भाई कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ बस तुम सब लोग तो। और ये पैसा कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो सिप आप बोल रहे थे उसका जो ऑन एन एवरेज एवरेज पकड़ रहे हैं हम, महीने का जो पैसा आ रहा है सिप में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, वो लगभग उसका जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है महीने में। मैन अब ऐसा लग रहा है कि सेटअप पूरा हिल रहा है, जिस हिसाब से फिगर्स आ रहे हैं अब सामने, 15,000 करोड़ एक महीने का, हाँ, तो मैथ्स भी खत्म हो रहा है, मैं 1 साल कैलकुलेट करते करते जीरोस ही नहीं खत्म हो रहे अब तो। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से हुआ है, ये पहले कभी 10,000 करोड़ होता था, फिर 12 तक पहुंचा, फिर 14 तक पहुंचा, अभी फ्लक्चुएट करता है, जैसे दिसंबर में 17,000 करोड़ का आया था इनफ्लो, और जनवरी में थोड़ा सा 17,000 के मुकाबले थोड़ा कम आया, पर हम क्योंकि एवरेज फिगर पकड़ के चल रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि 15,000 करोड़ की रेंज को ये आसानी से क्रॉस कर रहा है अभी के लिए। आने वाले समय में 20,000 करोड़ भी होगा, 25,000 करोड़ भी होगा, 30,000 करोड़ भी होगा। तो क्योंकि ये जो लोकल पैसा इतना ज्यादा फ्लो कर रहा है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और म्यूचुअल फंड्स कॉन्टिन्यूसली पैसा पंप इन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो पहले हम जो डिपेंड करते थे बाहर से आने वाले पैसे के ऊपर, वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। पहले वो लोग पैसा डालते थे मार्केट बढ़ता था, पैसा निकालते थे मार्केट गिर जाता था। आज की डेट में ये है कि वो चाहे पैसा निकाल भी लें, हमारे वाले सामने खड़े रहते हैं खरीदने के लिए कंटिन्यूअसली। अगर वो 10,000 करोड़ का माल बेच रहे हैं एक दिन में, 10,000 करोड़ एक दिन में बेच देते हैं वो लोग, तो पहले अगर ऐसा होता ना तो मार्केट जो है क्रैश हो जाता, लेकिन आज की डेट में मार्केट करेक्ट भी नहीं होता है उतने में, क्योंकि सामने से वो 10,000 करोड़ का अगर बेच रहे हैं तो ये लोग 8,000 करोड़ 5,000 करोड़ खरीदना शुरू कर देते हैं कंटिन्यूअसली। तो ये ऐसा चल रहा है।
तो ये जो मार्केट है लॉन्गर टर्म में इसी पैसे से चलने वाली है, सेंटिमेंट्स से चलने वाली है, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उससे चलने वाली है। और ये कम से कम 10 साल, मतलब आप सभी को इस मार्केट में बने रहना है, टिके रहना है, जम के रहना है। और आपका जो पॉडकास्ट है वो तो बिल्कुल देखना है, बात समझने के लिए। एब्सोल्युटली। तो भाई अगर अभी भी बीज नहीं लेके आए हो तो पहले बीज लेके आओ, उन्हें मिट्टी में आराम से प्रॉपर मैन्योर के साथ उन्हें फर्टिलाइज करो एंड अच्छे से कल्टीवेट करो, पेड़ उगाओ एंड फिर फल फ्रूट खाओ। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट।